top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. आप सबको अब तक तो पता चल ही गया होगा कल इस पे नया शो आने वाला इश्क में मरजावा. इट इज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. और इसमें जो मेरा किरदार है आरोही, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बहुत अलग अलग शेड्स हैं जो कि धीरे धीरे अनफोल्ड होंगे और आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि ओके ये भी एक इसका रूप है, ये भी है. एंड दिस गर्ल इज वेरी स्वीट एंड एक नॉर्मल लड़की है. आई एम श्योर कोई भी लड़की रिलेट कर पाएगी इस कैरेक्टर से. मिडिल क्लास फैमिली की है, बट देन हाउ शी इज इन टू हर ड्रीम लैंड की वेटिंग फॉर हर प्रिंस चार्मिंग एंड देन सडनली दीप रायचंद से शी फॉल्स इन लव. एंड हाउ फिर वो जो डीप रूटेड लव है दैट चेंजेस इन टू समथिंग एल्स. दिस स्टोरी इज अबाउट अ लव स्टोरी बट नॉट अ नॉर्मल लव स्टोरी, बिकॉज लव स्टोरी में जो आज तक हम देखते आए हैं ज्यादातर लव पे फोकस किया गया है. लेकिन एक चीज हम भूल जाते हैं कि लव स्टोरी में सिर्फ लव नहीं होता, ट्रस्ट नहीं होता, और भी बहुत सारे इमोशंस होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं. इस स्टोरी में हर उस इमोशन पे भी फोकस किया जाएगा, लव, ट्रस्ट, फेथ एंड देन बिट्रेल, थ्रिलर, सस्पेंस, हेट्रेड, एवरीथिंग इज देयर. मैं अपने फैन से यही कहूंगी कि अभी तक मैंने जो काम किया है बेगूसराय में, थपकी प्यार की में, जमाई राजा में, मुझे बहुत प्यार मिला है, अप्रिसिएशन मिला है. लेकिन अब फाइनली मैं एक साल बाद आई थिंक एक अच्छे बड़े प्रोजेक्ट के साथ आई हूं. सो आई एम श्योर मुझे ढेर सारा प्यार अभी भी मिलेगा. एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. आई एम श्योर अगर आप एक बार देखेंगे ना तो यू विल रिलेट टू इट एंड यू विल कीप वॉचिंग इट. सो डू वॉच द फर्स्ट एपिसोड. ये इश्क में मरजावा ओनली ऑन कलर्स, जो कि आपका सबका पसंदीदा चैनल है, शाम 7:30 बजे मंडे टू फ्राइडे.